अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। आप सबका हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। इस मरतबा एक मकतब का जो है सवाल जो आपका कंपटीशन हुआ है, इस सिलसिले में मैंने चंद वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो इस चैनल में और इसके अलावा एक और चैनल है मेरा, उस चैनल में अपलोड किया हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि अब ये दोनों चैनल में जो है इस वीडियो को देखा करें। इन दोनों चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दूसरे चैनल का भी जो है वीडियो देखें। उसमें इस मकतब के सवाल जवाब के कंपटीशन में जो है बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको इन बच्चों का परफॉर्मेंस, इन बच्चों की कारकर्दगी पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है इन वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर करें और बच्चों अपने बच्चों को भी इसी तरह की तालीम देने की कोशिश करें। और आपसे गुजारिश है कि ये पूरा वीडियो देखें। जज़ाकअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों और अंदर पर्दे में बैठी हुई प्यारी बहनों, हजरत ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर वक्त में बेहतरीन जुमले ऐसे बताएं कि जिस पर अमल करने से हमारा घराना खुशगवार बनता है। मैं कुरान मजीद की एक आयत पेश करूंगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं, अर रहमान, कसम है रहमान की, अल्लमल कुरान, जिसने इंसान को कुरान सिखाया, खलकल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, उसको बोलने का तरीका भी सिखाया। यहां हम लोग आयत में गौर करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमान की कसम यानी अपनी कसम खाने के बाद अल्लमल कुरान बताया कि कुरान को सिखाया अल्लाह ने, उसके बाद अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ये उल्टा हुआ, पहले इंसान पैदा होता है या पहले कुरान सीखता है? पहले पैदा होता है फिर सीखता है, ना कि पहले सीखेगा फिर पैदा होगा। यहां अल्लाह ने अल्लमल कुरान यानी कुरान सिखाया, उसके बाद कहा कि मैंने इंसान को पैदा किया। तो ये बात समझ में नहीं आती, पहले कुरान कैसे सीखे फिर बाद में पैदा कैसे हुए? हालांकि पहले पैदा होना था, पहले कुरान नहीं सीखना था बल्कि पहले पैदा होना था, बाद में कुरान सीखना था। तफसीर यानी कुरान की तशरी लिखने वाले, कुरान की हिस्ट्री लिखने वाले और कुरान के नुक्तों पर गौर करने वाले बड़े बड़े उलमाए मुफस्सिरीन ने, कुरान के बारीक बारीक हरफों पर गौर करने वालों ने ये बात लिखी है, ये बात बयान की है। अल्लाह यहाँ ये बताना चाहते हैं दुनिया में मेरे इंसान को पैदा करने का मकसद ही उसे कुरान सीखना है। तो इस एतबार से मालूम यह हुआ आज हमें कुरान सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह हमें माफ करे, आज हमारे घरों में सारी चीजें खुलती हैं मगर कुरान नहीं खुलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात बताई, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और खुद सिखाए। आज हमारे अंदर से दोनों चीजें खत्म है, ना हम कुरान सीखने की फिक्र करते हैं ना कुरान सिखाने की फिक्र करते हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए, हमें कुरान सीखने का जज्बा भी होना चाहिए। हमारी एक लंबी उम्रें गुजर जाती हैं मगर हम इस चीज पर तवज्जो नहीं देते, बकिया सब चीजें हम सीखने की फिक्र करते हैं, कुरान को सीखने की फिक्र नहीं करते। इस बात की तरफ तवज्जो देने की और गौर करने की जरूरत है कि हमारे घरों में नन्ना सा बच्चा जबान पर गाली दे रहा है यानी बगैर देखे कि उसे गालियां याद हो गई। अगर कुरान पर मेहनत करते थे कुरान नहीं याद होता, बगैर देखे कि हमारा बच्चा गाना सुनते ही गाना याद कर लेता है और कभी कभी खेलते कुत्ते भी गाना बता देता है। ये कैसे हुआ? ये घर के माहौल से हुआ। घर में टेलीविजन चला तो बच्चे की जबान पर गाने आए, ठीक है, घर में माँ बाप जो है टेलीविजन और सीरियल देखने के आदि बन गए तो बच्चा भी उसी किस्म का आदि बन जाता है। अगर माँ बाप कुरान खोलेंगे तो बच्चा भी कुरान खोलेगा।
तो सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों में कुरान पढ़ने की खुद पाबंदी करें, या खुद पढ़ना नहीं जानते तो बच्चे को लेकर पढ़ाएं, किसी उस्ताद के जरिए पढ़ाएं, कुछ ना कुछ निजाम बनाएं। जिस तरह हम बच्चा घर में नहीं पढ़ता है ट्यूशन का निजाम बनाते हैं, अपने घर में कुरान पढ़ने का कुछ निजाम बनाओ, या अपने करीब में जो आलिम है, उफाज है, इमाम साहब है, उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको कुरान सीखने की तरगीब दो। अल्लाह माफ करना, हमारा बच्चा सब कुछ सीख गया, गुसुल कैसे करना हमारे बच्चे को मालूम नहीं, वजू कैसे करना हमारे बच्चे को मालूम नहीं, नमाज क्यों पढ़ना हमारे बच्चे को मालूम नहीं, कैसे पढ़ना हमारे बच्चे को मालूम नहीं। अफसोस है उस जिंदगी पर जिस बाप ने, जिस माँ ने अपने बच्चों को आला से आला डिग्री दी, आला से आला तालीम दी, मगर बच्चा मर रहा है तो इस्लाम के खिलाफ मर रहा है। क्या फायदा है ऐसी डिग्री पर, क्या फायदा है ऐसे सीखने पर। देखिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ते की बात बताई है, कुरान सीखने वाला बच्चा मदरसे में जाता है तो किताबें अपने सीने की तरफ लगा कर जाता है, कुरान सीने से लगा कर जाता है, नूरानी कायदा इस तरह पकड़ कर जाता है। अंग्रेजी सीखने वाला बच्चा पीठ के पीछे रखकर चला जाता है। तो यहां से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत भरी बात बताई कि मालूम यह हुआ दुनिया की तालीम हमेशा पीछे रहेगी, कुरान की तालीम हमेशा आगे रहेगी, यानी ये कब्र तक में काम आने वाली चीज है। तो इस पर गौर करने की जरूरत है, हमें काम क्या आएगा और किस चीज को हम यहाँ छोड़कर जाएंगे। देखिए हम मरेंगे, हमारा बच्चा यहाँ कुल हु अल्लाह वो आद ये लफ्ज भी पड़ेगा, हमारी कब्र में नूर आएगा। ये बात याद रखना हमेशा, हमारा बच्चा यहाँ पर नमाज में अगर उसने समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा या सुभान रब्बियल अज़ीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैबातु ये अल्फाज पढ़ेगा, आज हमने हमारे बच्चों को सिखाया तो कल इसका पूरा इनाम हमारी कब्र में हमको मिलने वाला है। ये पूरी चीजें सदके खैर है, ये कभी फना होने वाला। देखिए दीन के इल्म को इल्म कहते हैं और दुनिया जो हम सीखते हैं उसे फन कहते हैं, और फन फना से बना है यानी खत्म होने वाला, और इल्म के माने आते हैं जानना, ये चीज जानदार रहेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, और फन वाली चीज ये फन बन करेंगे, नहीं जिसे बोलते ना वेरी फनी, ये बहुत मजाकी है, ये दुनिया मजाकी है, यहाँ का जो इल्म है वो भी मजाकी हद तक रहेगा। ये जो उलूमे दीन हम हासिल करेंगे ये हमको हमारे कब्र के अंदर भी काम आने वाला है। ऐसा मत समझना कि ये बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैतुल खले जाने की दुआ पढ़ रहा है, बैतुल खले से आने की दुआ पढ़ रहा है, सोते वक्त दुआ पढ़ रहा है, सोकर उठते वक्त दुआ कर रहा है, ये मत समझना कि ये बच्चा कोई पागल भरा काम कर रहा, नहीं ये नबी की तालीमात पर अमल कर रहा है, ये उसकी तालीमात पर अमल कर रहा है जिस नबी ने ये कहा कि तुम मेरी सुन्नतों को अगर फॉलो करोगे, तुम मेरी सुन्नतों को अगर मानोगे, मैं कयामत के दिन तुम्हारा साथी बनूंगा, ये उस चीज पर अमल कर रहा है, ये सोच ले। ठीक है, ये चीजें थी मेरे जहन में, मैंने आप हजरात के सामने रख दी। अब हर माँ बाप गौर करें कि ये जो इनाम इन बच्चों को मिला ना, ये इनाम देने की क्या जरूरत थी, कुरान से बढ़कर कोई इनाम नहीं है, उलूमे दीन से बढ़कर कोई इनाम नहीं है। ये इनाम देने के पीछे मकसद दो है, एक है बच्चे की दिलचस्पी बढ़े, दूसरा यहाँ पर इतना मिल सकता है तो आखिरत में कितना नहीं मिलेगा, इन चीजों के पीछे इशारा देना है। असल में तो उलूमे कुरान यानी कुरान के अल्फाज से पढ़ने से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। ये बच्ची आकर सूरा सुनाई, इससे बढ़कर क्या इनाम हो सकता। वो घर जिसका घर चूने का हो, जिसका घर जो है बारीक ईंटों से बना हुआ हो, घर में कलर नहीं हो, घर के अंदर फिनिशिंग नहीं, घर के अंदर सोफा सेट नहीं, घर के अंदर मामूली सा फर्श है, मगर घर के अंदर कुरान पढ़ने वाला है, वो किसी महल से कम नहीं, ये बात याद रख लेना। वो घर जिसके घर में माँ बाप भी एसी में रहते हो, जिसका घराना पूरा एयर कंडीशन का हो, जिसके अंदर अगर कोई बोलता है तो बोलने के बाद चीजें खुलती हैं, यानी टॉकिंग डोर, ऐसी तमाम चीजें हो, यानी डिजिटल जितनी चीजें तमाम चीजें हो, मगर उस घर में एक दिन भी नमाज ना होती हो, उस घर में एक दिन भी कुरान ना खुलता हो, उस घर में एक दिन भी अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो, आलीशान मकान और बड़े से बंगड़ा बंगला भी बेकार है। अगर वो घराना जिसका घराना मामूली सा झोपड़ा है, उस घर में कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, उस घर में मदरसे जाने वाला बच्चा है, उस घर में मकतब में जाकर बच्चा तालीम कुरान सीखता है, कुरान की तालीम सीखता है और घर आकर उस तालीम को पढ़ता है, उससे बढ़कर बेहतरीन घर किसी और का नहीं हो सकता, भले वो एक रोटी खाकर जिंदगी क्यों ना गुजारता हो।
ये वो आदमी है जो कांच की प्लेट में खाता है, उसका चलना फर्श पर होता है, उसका लिबास जो है उम्दा से उम्दा, एक दिन में एक लिबास बदलता है तो साल भर उस लिबास को पहनने की उसकी जरूरत नहीं होती, इतना आला घराना हो। और एक वो घराना हफ्ते भर एक ही लिबास क्यों ना पहनता हो, हफ्ते भर एक रोटी, हफ्ते भर जो है दिन में एक रोटी से अपनी जिंदगी क्यों ना बसर करता हो, मगर उस घर में कुरान और दीन जिंदा है तो वो घर जिंदा है, वरना वो घर मुर्दा है। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया अपने घरों को मुर्दा ना बनाओ। अपने घरों को मुर्दा ना बनाने का मतलब क्या है? घर में आदमी है फिर भी घर मुर्दा, क्यों? ईमान का घराना है, घर में सारी चीजें जिंदा है, टीवी जिंदा, फैन जिंदा, एयर कंडीशन जिंदा, खिड़कियां जिंदी, दरवाजे जिंदे, यानी खोली हुई है, मगर घर फिर भी मुर्दा। घर में बात करने वाला आदमी, बच्चों की हंसी खुशी सब कुछ मौजूद है, मगर घर के अंदर कुरान की तालीम मौजूद नहीं है तो वो घर जिंदे रहते हुए भी मुर्दा है। इसलिए कि उस घर के अंदर कुरान जिंदा नहीं है, नमाज जिंदी नहीं है, दीन जिंदा नहीं है, बच्चे दीनदार नहीं। जिस घर में बच्चा माँ को गाली देता हो, जिस घर में माँ अपने बच्चों पर जुल्म और जबरदस्ती करती हो, जिस घर में न बच्चे में दीनदारी, न माँ बाप में दीनदारी, न बड़ों में दीनदारी, न छोटों में दीनदारी, वो घराना मुसलमानों का होते हुए भी गैरों का घराना नजर आता है। इसीलिए मेरी दरखास्त यही है कि अपने बच्चों की दीन की फिक्र करें, ईमान की फिक्र करें, उनके नमाजों की फिक्र करें, उनके रोजों की फिक्र करें। बच्चे बड़े हो जाते हैं देखते ही देखते, मगर दीनी मसाइल से बहुत दूर रहते हैं। माओं को तवज्जो देने की जरूरत है, बाप को तवज्जो देने की जरूरत है, बड़ा भाई है तो बड़े भाई को तवज्जो देने की जरूरत है। कर्ज इस वक्त अपने घर में कुरान को जिंदा करने की जरूरत है। बस मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ, और एक अपना इरादा अल्लाह के फजल करम से मेरा इरादा यही है कि मैं इन बच्चों के इंशाल्लाह हाफिज कुरान इंशाल्लाह बनाने की पूरी पूरी फिक्र करूंगा। बाकी अल्लाह के हाथ में है, इन तलबा की मेहनत पर मुनासिर है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, इन बच्चों के पढ़ने को कबूल फरमाए। हजरत वाला अपना कीमती वक्त देकर आए, अल्लाह इनकी भी जान, उम्र, माल, रिस्क, तमाम चीजों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और आप भी आए अल्लाह आपके हर चीजों में बरकत अता फरमाए। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको मौत तक अपने दीन पर जमाए रखे, दीन पर इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। अगर आप पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।